नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में, या कहूँ आने वाले जो सीरीज़ रहेगी उसमें हम लाइफ पाथ नंबर्स के जो लव फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्रेम संबंध होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों चूज़ किया उसके पीछे भी बताता हूँ। देखिए, वैलेंटाइन डे वीक आने वाले हैं और फरवरी का महीना है, गुलाबी महीना है और रोमांस लव इज़ इन द एयर है। तो लाइफ पाथ नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 9 तक हम पूरा जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। साथ साथ अगर आप डेली का राशिफल देखना चाहते हैं तो आप एक लिंक मैंने आपको दिया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको डेली का राशिफल भी आपको मिलेगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। लाइफ पाथ नंबर 1 कैसे कैलकुलेट होता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप आसानी के साथ वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम, आप मुझसे बात कर सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 जो लोग होते हैं वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, और ये कहना नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन अगर आपको किसी लाइफ पाथ नंबर में मिलती है या और डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क मिलती है तो वो आपको लाइफ पाथ नंबर में ही मिलती है। ये लोग अपने हर्डल्स को अपने तरीके से हैंडल करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने चैलेंजेस को पूरा करते हैं, और जो इनके साथ होते हैं उनके लिए भी ये सेफ गार्ड का काम करते हैं। लव रिलेशनशिप और रोमांस की अगर हम के बारे में बात करी जाए तो बहुत चार्जेबल होते हैं ये, काफ़ी चार्जअप रहते हैं अपने रिलेशंस को लेके, और लेकिन क्योंकि एक गोल हर चीज़ में लेके चलते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हैं चाहे कैरियर हैं, तो वहाँ जनरली इनकी जो डिसीजंस होती हैं वो एक टाइम की होती हैं। एक टाइम से मतलब ये है कि अगर इनको रिलेशनशिप में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं तो ये ब्लंटली बोलने में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं और एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट होते हैं। रिलेशनशिप इनकी जब भी होती है वो ऐसी होती है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते ये, खास तौर से ये तो बिल्कुल नहीं होते, दूसरा वाला हो तो कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि सामने वाले का नंबर कौन सा है। इनकी इसी वजह से इनकी रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल्स भी देखने को मिलती हैं और कई बार सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ इनकी तरफ से देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इनके डिज़ायर्स थोड़े से अलग तरीके की होती हैं। इनको ऐसा व्यक्ति पसंद होता है जो इन्हीं का प्रतिबिंब हो, यानी कि इन्हीं की फोटोस्टेट कॉपी हो। इसलिए चैलेंज हमेशा आपको देखने को मिलता है लाइफ पाथ नंबर के साथ, और कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड होता है वो इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उनकी नेचर और उनका करिश्मा में आपको बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि इन बॉर्न लाइफ पाथ नंबर 1 लीडर होते हैं और इनके जो गोल्स होते हैं वो किसी तरह से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ ये डायरेक्शन में चलते रहते हैं। हाउएवर अगर मैं कहूँ तो ये हमेशा ऐसे पार्टनर की तलाश में रहते हैं जो एक्सेलेंट हो, क्विक डिसीजन मेकर हो और इनको रिस्पॉन्ड करे स्पॉन्टेनियसली, मतलब क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो मिले, और उसकी जो ओपिनियन है वो करंट सिचुएशंस में मैटर करनी चाहिए, तब आपको मिलेंगी। लाइफ पाथ नंबर का जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे अच्छी जो है वो 3 और 5 के साथ जो है वो देखने को मिलती है, लाइफ ना 6 के साथ भी उसकी हो जाती है, लेकिन 6 के साथ थोड़े से और ईगोइस्टिक के प्रॉब्लम्स आते हैं कई बार, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 और 5 जो है वो सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन अगर हम इसकी ब्राइटर साइड को देखें तो जो लाइफ पाथ नंबर 1 है वो डीपली हार्ट वाला पर्सन है और या महिला है, और ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे दिल से जुड़ेंगे और लास्ट तक उसका साथ देंगे, उसको जो भी काम उसके लिए करेंगे थोड़ा सा एहसान दिखा के करेंगे ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से एक सेफ गार्ड उसके लिए बना कर रखें, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा। इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत ग्रेट एसेट मैं कहूँगा रिलेशनशिप में होती है, और अगर कोई डाउट क्रिएट होता है किसी रिलेशनशिप में तो ये उसको फौरन क्लियर करते हैं और बिल्कुल रिलेशनशिप को बिल्कुल सक्सेसफुल लेके जाते हैं।
इनके लाइफ में, लाइफ पार्ट नंबर वन की जो रिलेशनशिप्स में डाउट्स की क्लैरिसेशन, क्लैरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। और ये अगर कहीं पर इनका पार्टनर किसी तरीके की प्रॉब्लम में आ रहा है या कहीं कोई रीयूजेबिलिटी हो रही है उसकी, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच करते हुए चलते हैं। इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप अगर फिक्स्ड होती है तो वो बहुत अच्छे तरह फिक्स्ड हो जाती है। बट एज ए ह्यूमन फैक्टर वो बहुत यूनिक है। और अगर उनका इंटीमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप मान लीजिए कुछ प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करना चाह रहे हैं और सामना एक नंबर वाला है, लाइफ पाथ नंबर वाला है, तो हो सकता है कि अगर उसका मूड नहीं है तो वो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर वो मूड में है, प्राइवेट मोमेंट में, इंटीमेसी में, तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह जो है वो यहाँ पर आपका बिहेव करेगा और बहुत अच्छे तरीके से फिर आपकी जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं वो रहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूँगा कि बुरे नहीं होते, लेकिन जो सामने वाला इनके साथ है, जो भी नंबर्स हैं और नंबर से के साथ जो कंपैटिबिलिटी है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है अपने सेकंड चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, क्योंकि वो जो चैनल है मेरा वो बिल्कुल हमारा न्यूमरोलॉजी को डेडिकेटेड है और मैं धीरे धीरे उस पर सारी वीडियोज़, न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स वहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो इनकी रिलेशनशिप में अप्रोच आपको करना है तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्विक थिंकर होना पड़ेगा और आपको इनके मूड के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हालांकि कंपैटिबिलिटी 3 और 5 की बहुत अच्छी है, कंट्रोल कर लेते हैं इनको, लेकिन 90% केसेस में एक नंबर अपने रिलेशनशिप में सुपीरियर अथॉरिटी रहता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपका लाइफ पाथ नंबर है तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको ये वीडियो कहाँ तक अच्छी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर 2 की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे, यही मेरी कामना है।